नमस्कार, मैं नरगिस मंसूरी स्वागत करती हूँ आप सभी का नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। फराह खान ने घर में आते ही मायशा और ईशान का उड़ाया है मजाक। बिग बॉस 15 के शुरू हुए एक महीना भी नहीं बीता है कि घर के अंदर एक सीरियस वाला रोमांस हमें देखने के लिए मिला है। जी हाँ, पहले ही हफ्ते में इन दो कंटेस्टेंट को एक दूसरे से जन्मों जन्मों वाला प्यार हो गया है और अब दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने बुन रहे हैं। ये दो कंटेस्टेंट हैं ईशान सहगल और मायशा अय्यर। पहले ही हफ्ते में ईशान और मायशा ने एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दिया और धीरे धीरे इनके बीच रोमांस बढ़ता ही गया। हाल ही के एक एपिसोड में ईशान और मायशा ने हदें पार कर दी। दोनों को कैमरे के सामने रोमांस करते और किस करते देखा गया, जिसे देख दर्शकों के साथ साथ होस्ट सलमान खान भी नाराज़ हो गए। हाल ही में वीकेंड के बाद में सलमान ने ईशान और मायशा को उनकी इस रोमांस के लिए हिदायत भी दी है। वहीं इस रविवार को वीकेंड का वार एपिसोड में ईशान सहगल ने अपने घुटनों पर बैठकर मायशा को प्रपोज भी किया। ईशान का यह अंदाज देख मायशा उन पर फिदा हो गई और आई लव यू कहकर प्रपोजल स्वीकार कर लिया। इस पर जहां घरवाले और मायशा बेहद खुश दिखी, वहीं गेस्ट बनकर बिग बॉस 15 में आई फराह खान ने उनका मजाक बनाया है। फराह ने ईशान और मायशा की लव स्टोरी के बारे में सलमान से कहा, मैंने लव एट फर्स्ट साइट के बारे में तो सुना था, लेकिन लव एट फर्स्ट साइट में मैं पहली बार देख रही हूँ। जब सलमान ने फराह को बताया कि ईशान ने मायशा को नेशनल टेलीविजन पर प्रपोज किया तो फराह हैरान रह गई। वहीं सलमान से पूछती हैं वो कि तीसरे वीक में शादी और फिर फिनाले तक ये लोग बच्चे करने की सोच रहे हैं। फराह कहती है कि ईशान और मायशा को बिग बॉस के घर में जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से वो रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं, शायद इन्हें भी पता नहीं है कि बाहर जाकर कि इन पर कितना भारी पड़ने वाला है और उन्होंने इस चीज़ का मजाक भी बनाया है।